आज तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त मैं हूं बनारस में। जी हां, काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहां इस समय हम आ पहुंचे हैं धर्म संसद में। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में यह धर्म संसद बैठी है इस सवाल को उठाने के लिए कि आखिर राम मंदिर का रास्ता कब खुलेगा। संसद से नहीं खुलेगा तो क्या धर्म संसद से खोलना पड़ेगा? इसके लिए देश दुनिया से साधु संत यहां आकर जुटे हैं, विचार कर रहे हैं और ठीक उसी समय विचार कर रहे हैं जिस समय अयोध्या में राजनीतिक पारा उबाल पर है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहुंच गए कल अयोध्या। वहां उन्होंने एक सभा कर डाली और साथ में विश्व हिंदू परिषद भी संत सम्मेलन इस समय अयोध्या में कर रहा है, जहां मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं अयोध्या में जो धर्म संसद चल रही है उसका, जो संत सभा चल रही है उसका। और मैं यहां बनारस में इस समय मौजूद हूं जहां चल रही है एक बहुत बड़ी धर्म संसद, उसी मंदिर के सवाल को लेकर, जिस मंदिर के सवाल को लेकर अयोध्या में संतों का एक नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, जिसके नेताओं ने आज अयोध्या में साफ साफ दो टूक कह दिया है कि मंदिर बनेगा तो पूरी जमीन पर बनेगा, उससे कम हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और इस सबके बीच चुनाव में राम मंदिर की एंट्री प्रधानमंत्री के मुंह से हो गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलवर में थे जहां चुनावी रैली में आखिरकार उन्होंने राम मंदिर पर बयान दे डाला। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के रास्ते में अड़ंगा लगाना चाहती थी, वरना सुप्रीम कोर्ट में जाकर कांग्रेस के नेता राम मंदिर के फैसले को टालने की अपील न लगाते। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह, जिन्होंने आज तक के साथ की है सीधी बात, और सीधी बात में अमित शाह ने एक बात बड़े सीधे सीधे कह डाली है, वो ये कि संसद में अध्यादेश लाना है या नहीं लाना है इसका फैसला अदालत का फैसला आ जाने के बाद ही होगा। अगर सब कुछ अदालत का फैसला आने के बाद ही होना है तो फिर अयोध्या में ये संतों का सम्मेलन क्यों बुलाया जा रहा है? अगर सब कुछ अदालत का फैसला आने के बाद ही संसद को तय करना है तो फिर बनारस में ये धर्म संसद आखिर क्यों बुलाई गई है? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ साधु संत मौजूद हैं जिनको हम अंदर धर्म संसद से यहाँ बाहर खींच लाए हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो हमसे बात कर सकें। साथ ही कुछ मेहमान हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से देश की ओर मौजूद हैं जो इस मामले पर अपनी बात रखेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उनसे बात करें उसके पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलवर में क्या कहा राम मंदिर को लेकर। अब उन्होंने नया खेल शुरू किया और नया खेल ये शुरू किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उनके राजनीतिक इरादों के अनुसार न्यायपालिका का समय पत्र नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है, अयोध्या जैसे गंभीर संवेदनशील मसलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता के साथ देश को न्याय दिलाने की दिशा में सबको सुनना चाहती है तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए जब कोर्ट में फेल हो जाते हैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट ला करके उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया है। अयोध्या के संतों और भक्तों ने 1528 में 15 दिन तक लड़ाई लड़ी और तो भी जो चाहते थे वो नहीं बन पाया। ये लड़ाई 490 साल से जीता है। परिशान से मुझे भगवान का जन्म स्थान हिंदुस्तान को वापस मिलेगा। हमें बतवारा नहीं चाहिए, हमें बतवारा किसी से नहीं मांगा, हमें पूरी की पूरी भूमि चाहिए। जितनी जल्दी मिलेगी देश में उतनी सुख शांति रहेगी, देश का विकास होगा।
तो प्रधानमंत्री का हमला कांग्रेस पर है, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हमें पूरी की पूरी भूमि चाहिए, थोड़े से हम संतोष नहीं करेंगे। सवाल इस समय बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि सरकार बने 4.5 साल हो गए, आप तो कहते थे लोकसभा में बहुमत दिला दो, केंद्र में राज्य में दोनों में आपकी सरकार है, फिर मंदिर का रास्ता आखिर क्यों नहीं खुल पा रहा। अमन सिन्हा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंसार रजा हमारे साथ हैं, वो गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस्लाम के जानकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले निशांत के पास चले चल रहे हैं एक बार अयोध्या। निशांत, सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमला करके जवाब दे रहे हैं, क्या साधु संत जो बैठे हुए वहां अयोध्या में धर्मसभा कर रहे हैं वो संतुष्ट होंगे इस बात से कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर बोला भी तो कांग्रेस के खिलाफ बोला, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया? देखिए रोहित, बड़ी अजीब सी बात है जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं। पहले तो मैं यहां पर अयोध्या में मौजूद हूं और इन सभी लोगों के बीच में सबकी नजर है कि आज इस धर्मसभा में क्या हुआ। लेकिन बड़ी अजीब बात जो ये है वो ये है कि देखिए, एक तरफ धर्मसभा हो रही है, दूसरी तरफ शिवसेना यहाँ पर अपना पूरा कार्यक्रम करके चली गई, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ ये अयोध्या टूरिज्म बन गया है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि ये वाटर टेस्टिंग हो रही है? लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे साथ कुमार अभिषेक मौजूद है। कुमार अभिषेक, आज सुबह से धर्मसभा में मौजूद थे, धर्मसभा में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, एक और कोशिश, एक और माहौल बनाने की तैयारी, प्रधानमंत्री सीधे सीधे बात करते हैं कहीं और कांग्रेस की ओर, सब अलग डायरेक्शन में जा? बिल्कुल निशांत, 3 घंटे की आज धर्मसभा चली, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई रेजोल्यूशन इसमें पास नहीं हुआ। लेकिन एक चीज इससे साफ निकल कर सामने आई कि जो चुनाव अगले साल होने हैं उसके पहले की ये पूरी तैयारी लगभग तय हो गई। धर्मसभा में जो चीज़ें निकल कर आईं, पहले VHP के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चंपत राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 इंच भी ज़मीन अब किसी और को नहीं दी जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी ज़मीन रामलला की है। तो शुरुआत वहीं से हुई थी और उसके बाद जो स्वामी रामभद्राचार्य हैं चित्रकूट के, जो कि नेत्रहीन हैं, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, आज उन्होंने बड़ी बात कही उस धर्मसभा में और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 23 नवंबर को रात करीब 8:30 बजे 1 घंटे तक उनकी फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे वरिष्ठतम जो मंत्री हैं, जो सबसे ताकतवर दूसरे नंबर के मंत्री हैं, उनसे उनकी तकरीबन घंटे भर बात हुई है। और बात करेंगे आपसे अभिषेक, जो बता रहे हैं धर्मसभा में ऐलान हो गया, शिवसेना अपना प्रोग्राम करके चली गई, यहाँ धर्म संसद लगी हुई है, इतने सारे साधु संत दुनिया भर से आए हुए हैं, मिले ब्राजील से संत आए हैं, स्पेन से संत आए हैं, जिनको कह के बुलाया गया कि गंभीर विषयों पे चर्चा होगी। रंजना जी, आप तो वकील रही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो केस लड़ा जिसमें के मानना यह है कि तय हो गया कम से कम कि मंदिर तो था वहां पर, इस बात को लेकर अब कोई शको शुबा नहीं रहा, अब जमीन पूरी मिलनी है कि 2/3 पे बनाना है, उसको लेकर आगे की लड़ाई हो रही है, टाइटल स्वीट को लेकर फैसला हो रहा है। लेकिन जब बात संसद की तरफ हो रही है, बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो रही है, यहाँ धर्म संसद क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? हम लोग धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4.5 वर्ष बीत गए और अगर भारत सरकार चाहती तो ऑर्डिनेंस ला सकती थी और जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, जो जटिल इश्यूज होते हैं, उनमें अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी हो, बावजूद उसके ऑर्डिनेंस का प्रपोजल लाया जा सकता है। उस प्रपोजल को लाने के बाद ये देखा जाएगा कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी मंशा भी नहीं रही कि प्रपोजल लाएं। जब 4.5 साल बीत गया और कार्तिक मास चल रहा है, अयोध्या में कार्तिक परिक्रमा चल रही है जो पंचकोसी परिक्रमा है, 7 कोसी और 14 कोस, उसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु खुद जाते हैं। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि भीड़ उसके कारण आ रही है तो उसकी महज गलत फहमी है। जो इस बात को तो मना नहीं कर सकते ना महाराज, कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि साधु संत आए, शिवसेना के नेता पहुंचे, उन्होंने कहा सब लोग यहां पर आए, शिवसेना की रैली हो गई, सब घर चले गए, विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया ऐलान करके कि हमको तो केवल पूरी जमीन चाहिए, उससे कम में हम मानेंगे नहीं, क्या अयोध्या टूरिज्म का अब केंद्र बन गया है? नहीं, टूरिज्म का केंद्र तो खैर पॉलिटिकल टूरिज्म का, हाँ पॉलिटिकल टूरिज्म का केंद्र आप कह सकते हैं और इस वक्त इसी पॉलिटिक्स की आवश्यकता भी है। हम सब जानते हैं कि ये क्यों कहा गया और क्यों यहाँ पे भीड़ जमा की गई, लेकिन जो राम मंदिर का मुद्दा है वो तो शुरू से ही सरकार ने ये सोच के रखा है कि वो हमारा वोट का खींचने का तरीका है और उसी के तहत कार्य कर रही है। सरकार से भरोसा उठ गया क्या? नहीं, सरकार से भरोसा उठने जैसी कोई बात नहीं है, कृत्य उनके जो चल रहे हैं उनमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। अमन सिन्हा, संदेह उत्पन्न हो रहा आपके ऊपर, साफ साफ कह रहे हैं साधु संत, देख लीजिए इस बात को।
और आपसे जब सवाल पूछते हैं साधु सर, तो प्रधानमंत्री जवाब देते भी हैं कांग्रेस पर हमला करके, क्या करेंगे ये नहीं बताते। देखिए रोहित जी, राम मंदिर हम सभी की आस्था का और विश्वास का केंद्र है, और आप सबको ज्ञात है कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है, हम लोगों ने इस पे पब्लिक मूवमेंट भी किया है कि राम मंदिर श्री रामलला के जन्म स्थान पे जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में वही पक्ष सामने रख रही है, और उसको कई बार जो भी सरकार की तरफ से वकील भी अपीयर होते हैं, उन लोगों ने भी इस बात को रखा है बहुत स्पष्टता से, दृढ़ता से। जहां तक प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट का प्रश्न है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा रोहित जी, क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि जब ये मामला पिछले साल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो कपिल सिब्बल जी ने ये दलील दी थी जो कि एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट था, वो लीगल आर्गूमेंट भी नहीं है। पॉलिटिकल आर्गूमेंट ये दिया कि 2019 के चुनाव तक इसको मुलतवी रखा जाए और उसके बाद इसकी सुनवाई की जाए, और उसके बाद किस तरह तरीके से महाभियोग चला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उस समय के, वो भी आप सभी को जानकारी है। तो कांग्रेस पार्टी ने येन केन प्रकारेण हर प्रैक्टिक्स जो है उसको एडॉप्ट किया ताकि हियरिंग को डिले किया जाए, और मुझे लगता है सिन्हा जी, कांग्रेस पार्टी ने रोकने के लिए क्या क्या किया ये सब आप बताते हैं, आपने बनाने के लिए क्या क्या किया ये बताइए ना लोगों को जाके, इसका जवाब दीजिए ना। मैंने अभी तो बताया रोहित जी कि सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, वहां पे श्री राम जन्मभूमि पे जन्म स्थान पे जल्द से जल्द भव्य मंदिर बनना चाहिए, और हियरिंग एक्सपेडाइट करने के लिए एक बार नहीं सरकार ने कई बार इस बात कौन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पष्टता से, किसके मैनिफेस्टो में लिखा है ये, और क्या बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आपको भी ये जानकारी है कि जी क्या कह रहे हैं रोहित जी आप, सर ये लिखा आप ही के मैनिफेस्टो में है ना कि हम बनाएंगे मंदिर, जब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है वहां विश्व हिंदू परिषद रैली करके चली जाती है, शिवसेना रैली करके चली जाती है, आपके सांसद वहां विश्व हिंदू परिषद की रैली में टेंट और कुर्सी का इंतजाम देख रहे होते हैं, लेकिन टीवी पर आकर आपके नेता कहते हैं कि पहले कोर्ट से फैसला होगा उसके बाद इसके बारे में चर्चा होगी, वहां रैली आप करवाने लगते हैं, दो तरफा क्यों है फिर, एक तरफ रहिए ना या तो। नहीं नहीं कोई दो तरफा नहीं है रोहित जी, देखिए रैली करना, वहां पे मीटिंग करना, वहां पे जन आंदोलन करना, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जितने संगठन जो व्यक्ति भी इस मुद्दे से जुड़ा है वो लोग वहां पे कर रहे हैं, उनका पूरा अधिकार है, उस बात को समझा जा सकता है। ये पूरे देश का अगर सबसे पुराना कोई मुकदमा सिविल सूट या डिस्प्यूट है, और जहां पे लोगों की आस्था भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये जगह जहां आप खड़े हैं वही उसका केंद्र है अयोध्या, और जहां बनारस आप है रोहित जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि सर जन आंदोलन करना अधिकार है, पर क्या जन आंदोलन का माहौल बनाकर क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है एक तरीके से कि बाद में संसद में अध्यादेश लाते समय ये कहा जा सके कि जनता का दबाव हो गया था इसलिए हम अब अध्यादेश के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सारे नेता ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि पहले अदालत फैसला करेगी उसके बाद सोचेंगे अध्यादेश लाने के, नहीं एक बार अयोध्या चल रहे हैं फिर यहां साधु संतों से बात करेंगे। निशांत के पास भी बहुत सारे साधु संत इस वक्त मौजूद हैं। निशांत, यहां जिन संतों से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सरकार के कृत्य संदेह पैदा कर रहे हैं, क्या वहां भी संतों को ऐसे लग रहा है? देखिए यहां पर संतों को क्या लग रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं जहां पे खड़ा हूं ये सबसे प्राचीन जगह है रोहित, और आपने कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहले यहाँ पर अयोध्या में बार बार राम जी का जयकारा होता है, ये सभी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी लोगों की एक ही मांग है बार बार, आपके साथ अमन जी मौजूद हैं, इससे पहले मैं संतों के पास जाऊं, मैं अमन जी एक चीज जानना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप खुद सरकार की तरफ से इस मामले में वकील हैं, आपके ही मैनिफेस्टो की एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं तो कई बार कुछ लाइनें घुल मिल जाती हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है, संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। और अमन जी जब हम संभावनाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संभावना ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन यहां पर साधु संत मौजूद है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, धर्मदास जी हमारे साथ मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा धर्मदास जी हमारे साथ, संतोष जुबे जी हैं जो कि अक्यूज हैं, और हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा से मौजूद हैं, और हमारे साथ आचार्य नारायण आचार्य जी हैं जो कि तुलसी पीठाधीश्वर हैं, और आचार्य रामदेवदास शास्त्री जी भी हैं। धर्मदास जी आप तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जरा माइक ले लीजिए अपने हाथ में।
सारी संभावनाओं को तलाशने वाली बात करती है पार्टी और अभी सीधे सीधे प्रधानमंत्री निशाना साधते हैं कांग्रेस के ऊपर, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अब इसके सारी संभावना पार्टी तलाश रही है, कौन संभावना? इस 70 वर्ष हो गया, 1949 में मूर्ति पधारा गया, उस समय से संभावने तलाशा जा रहा है, कोर्ट में एक केस फंसाया गया है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज कहा, हाँ, कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो राज्यसभा का नेता है, जैसे कपिल सिब्बल की ओर इशारा था, हाँ, तो वही तो सही में देखा जाए, अगर सच्चता सच देखा जाए तो उसी कपिल सिब्बल ने कह दिया कि वहां पर जब तक 1900 के इलेक्शन नहीं हो जाता है, 2019 के इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये केस को रोक दिया जाए। अब उसमें एक और कर दिया कि जो मुसलमानों का राइट तय कर दिया जाए। अरे जब एक अलग से राइट तय करने के मुकदमा करो कि इसी केस में मुसलमानों का राइट तय होगा कि नमाज कहाँ पढ़ेगा, ये ले आकर के 4 महीना पहले लटका दिया, जेठ बैसाख का सावन। अब उसके बाद में जब नवंबर व अक्टूबर में पड़ा, हाँ, तो ये लगा करके जनवरी में लगा दिए। संतोष जी, एक क्विक रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन आपका। एक तरफ कांग्रेस के जो वकील हैं वो अटकाते हैं मामला जी, दूसरी तरफ जिनके पास सारे विकल्पों की बात होती है और एक बड़ा विकल्प उनके पास है ऑर्डिनेंस का, वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं और ऑर्डिनेंस के ऊपर कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये धर्मसभा वगैरह ये सब क्यों हो रही है फिर? ये जो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं ये उनकी आदत है, कांग्रेस उन पर लगाती है, वो कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन इनके लिए जो सब सारे विकल्प हैं वो उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। ये धर्मसभा आयोजित करा करके केवल पूरे देश में ड्रामा फैलाते हैं चुनाव का। और फिर आज क्या हुआ, मैं ये 4 दिन से कह रहा हूँ, वही आज देख लीजिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या निर्देश किया दिया इन्होंने, क्या हुआ मंदिर बनाने की दिशा में, क्या काम हुआ? धर्मसभा के नाम पर ड्रामा फैलाते हैं। मुझे याद है 2003 में इसी अयोध्या में कार सेवकपुरम में, तब अशोक सिंघल जी तब जीवित थे और मुझे याद है किस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था बीच कार सेवकपुरम में, बड़ा हंगामा हुआ था, टेंट की बल्लियां एक दूसरे के ऊपर मारी गई थी पुलिस वालों और कार सेवकों के बीच में, तब भी ऐसी संकल्प सभा हुई थी, एक बार फिर से हुआ है, होता कुछ नहीं है। सबसे वापस आते निशांत आपके पास, देखिए वहां पर लोग वही सवाल उठा रहे हैं कि भाई धर्म सभा किस लिए, संसद से ऊपर कोई धर्म संसद थोड़ी ना है, संसद से ऊपर है क्या धर्म संसद? देखिए संसद लोकतंत्र में अपनी मर्यादा है, वो देश के लिए कानून बनाती है, वो आदरणीय है, लेकिन धर्म संसद रोहित जी वो धर्मानुशासन है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही सारे विश्व में शांति स्थापित होती है, इसीलिए हमारी संसद में और सेंटर हॉल में और सुप्रीम कोर्ट में सब जगह संस्कृत के ध्येय वाक्य में धर्म को सर्वोपरि माना गया है। ये हमारे शंकराचार्य जिनको हमारे सनातन वैदिक धर्म में आचार्य पीठ कहा गया है, प्रत्येक निर्णय को देने का उनका अंतिम निर्णय होता है, इसलिए इसमें किसी को द्वंद्व नहीं समझना चाहिए। कल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने इस बात को कह दिया था, ये किसी प्रकार का द्वेष और प्रतिशोधात्मक नहीं, क्योंकि धर्म संसद लगातार कवर्धा प्रयाग हरिद्वार लगातार चलती रहती है। कह रहे हैं महाराज, ये आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि संसद और धर्म संसद के बीच में टकराव की स्थिति है? मैं आप तक आपके पास आता हूं, उसके पहले अंसार रजा हमारे साथ हैं, जरा उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं। अंसार रजा, आपने सुना स्वामी जी कह रहे हैं कि ये प्रतिशोधात्मक नहीं है, बदला लेने के लिए नहीं है, कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं है कि जाओ और वहां पर मंदिर बनाना शुरू कर दो, आप लोग ये माहौल क्यों बना रहे हैं कि डर लग रहा है, घर छोड़ के चले जाएंगे, परेशानी हो रही है, देखिए कैसा माहौल बनाया जा रहा है? रोहित जी, बहुत लोगों को हमने सुना बनारस से अयोध्या से, देखिए मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं आपसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने 4.5 साल के बाद राम मंदिर का तस्करा किया, वो भी कांग्रेस पर हमला करते हुए। मैं मान गया कि देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा सियासी लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, इसी को लीडर कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद को और हिंदुओं को लगा दिया अयोध्या में काम पर और खुद लग गए मन की बात करने के लिए, कोई सलूशन नहीं, कोई बात नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस पे हमला करने से मंदिर नहीं बनेगा, विरोध करने कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोधी तलाश कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट को विरोधी बनाया जाए, मुझे एक बात बताइए, मान तो रहा नहीं कोई विरोधी, तो अब सुप्रीम कोर्ट सरकार क्या करती है, ये पॉलिटिकल रैली में बताती है क्या, सरकारें क्या करती है पॉलिटिकल रैली में बताती है सर? 2014 में उन्होंने क्या बताया था सर, वो भी तो पॉलिटिकल रैली थी,
और ये इसलिए आज किया गया है कि 28 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है, 7 तारीख को राजस्थान में चुनाव है, सारे लोगों को जमा करके मंदिर का ऐसा लग रहा था जैसे आंधी मंदिर बन जाएगा। शिवसेना अपना गेम खेल रही है, बीजेपी अपना गेम खेल रही है, बीजेपी ने तो सबको काम पे लगा रखा है। अब मसला यही तो मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आज ही मंदिर बन जाएगा? यहाँ इतने सारे साधु संत बैठे हैं, हमें किसी को नहीं लग रहा, धर्म संसद लगाइए और हम शाम को जाके ईंटे लेके वहां लगाना शुरू कर देंगे। ये सब जानते हैं कि तरीका है, एक व्यवस्था है, उसके तहत रह के काम करना है। आप ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि रात में चल पड़ेंगे ईंटे लेकर मंदिर खड़ा कर देंगे वहां जाके? हम ये सब कर देंगे। देश के लोगों को उम्मीद बन गई थी कि आज कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले, कुछ नहीं हुआ मौलाना साहब। देश के लोगों को उम्मीद बन गई थी या आप भी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे थे कि देखो देखो रात में मंदिर बना देंगे जाके? मुसलमानों का तो कोई लेने देना नहीं इस मसले से रोहित जी, मुसलमानों का तो कोई लेना, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि आप अयोध्या मत जाओ, किसी ने नहीं कहा कि साहब आप ऐसा मत करो। कौन बात कर रहा है? क्यों मुसलमानों को विरोधी बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग? आप ही कह रहे थे मौलाना साहब, विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ही को सुन रहा था मैं तो टीवी पर, अब आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं, आप भी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रचार करते हैं, आप भी पलट सकते हैं ऐसे मौके मौके। अमन सिन्हा इनकी बात का जवाब दीजिए फटाफट ब्रेक पर जाने से पहले, जल्दी। पॉलिटिकल प्रचार करना कोई गुनाह थोड़ी है? क्या योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल प्रचार नहीं कर रहे हैं? करिए करिए सर, आप भी अपने को योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं तो। ये विवाद 150 साल पुराना है, ये सूट जो बोलिए अमन जी जवाब दीजिए, भारत के इतिहास का सबसे पुराना सिविल सूट है और ये सरकार उसको सारे अपने आर्गुमेंट्स के बाद फाइनल डिस्पोजल के जो इसमें फाइनल जो आर्गुमेंट्स और न्याय होना है, जजमेंट होना है, उस स्टेज पे ले आई है। और ये क्या बात कर रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के तौर पे राम मंदिर मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है राम मंदिर के मुद्दे पे, और जितना भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टैंड को सामने रखा है और इस पे जन जागरण का काम किया है, शायद ही कोई इस पे उस तरीके से आगे कर पाया। अमन जी सवाल तो इसी पे उठ रहा है ना कि भाई जन जागरण कर लिया, आंदोलन कर लिया, चुनाव लड़ लिया, चुनाव जीत लिया, सरकार बना ली, मंदिर कब बनाएंगे? हम ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके पहले बहुत छोटा सा कमेंट, आप कुछ करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ धर्म संसद क्यों हो रही, इसका उद्देश्य क्या है? क्या जो अयोध्या में धर्म संसद, अयोध्या में जो संसद हो रही है उसको लेकर के? वो संसद नहीं, वो रैली है, सभा, रैली हो रही, सभा हो रही है राम जन्मभूमि को लेकर के, तो क्या उसको लेकर के यहाँ हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। राम जन्मभूमि को मंदिर को लेकर के यहाँ पर परम धर्म संसद हो रही है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मात्र एक बिंदु नहीं है श्री राम जन्मभूमि, यहाँ पर अनेकानेक बिंदु है, और सबसे बड़ा बिंदु ये है कि यहाँ काशी में जो लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।